आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 1 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान खरीफ के फसल की बुआई में तेजी आई है। 24 जून को फसल का रकबा 2021 की तुलना में 24% कम था, जबकि 1 जुलाई को पिछले साल की समान अवधि की तुलना में रकबा करीब 5.33% कम है। बुआई में रिकवरी कपास और दलहन किसानों की वजह से हुई है, जिन्होंने लंबी स्थिरता के बाद मॉनसून सक्रिय होने के बाद तेजी से बुआई की है। वहीं आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 1 जुलाई को खरीफ की प्रमुख फसलों में दलहन का रकबा पिछले साल की तुलना में करीब 7% ज्यादा है, जबकि कपास का 4% और मोटे अनाज का 2% ज्यादा है। 24 जून तक सभी प्रमुख फसलों का रकबा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में कम था। आंकड़ों से पता चलता है कि दलहन में मूंग का रकबा पिछले साल से बड़ा है, जिसकी वजह से कुल रकबे में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उड़द और अरहर का रकबा अभी भी पिछले साल की तुलना में कम है। कपास का रकबा भी पिछले साल की समान अवधि की तुलना में करीब 4% बड़ा है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक में बुआई के कारण ऐसा हुआ है। अन्य फसलों में धान की रोपाई तेज हुई है। धान की खेती के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने रोपाई शुरू की। जहां तक बारिश का सवाल है, कुछ अच्छी खबर है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने आज जारी अपने मानसून अपने अनुमान में कहा है कि जुलाई में देश भर में बारिश सामान्य रहने की उम्मीद है। वहीं दीर्घावधि औसत के बता दें कि 94 से 106% बारिश को सामान्य बारिश माना जाता है। जुलाई में बारिश का दीर्घावधि औसत 28.04% है। मौसम विभाग ने कहा है कि जुलाई महीने में देश के ज़्यादातर इलाकों उत्तर मध्य दक्षिणी प्रायद्वीप में सामान्य से लेकर सामान्य से ऊपर बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में इस महीने में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में कम बारिश दुर्भाग्य के बीच सौभाग्य हो सकता है, क्योंकि कई इलाके इस समय बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। जुलाई और अगस्त 4 महीने के मानसून के दौरान अहम महीने होते हैं और इन 2 महीनों में करीब 60% बारिश होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।